लोगों को मानना है अपने पार्टी कार्यकर्ता कि हम जितना से आगे थे पहले उससे ज़्यादा आगे रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेताजी एक बात और सुनने में आ रही है लोगों की दबी जुबान में कि जो टिकट के दावेदारी में थे आपके स्थानीय स्तर पे जो फंड के राजनीति करते हैं भाजपा के, वो दावेदार लोग ज्योतिनंद का कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं, कोई ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। देखिए अगर क्या बोलते हैं, मैं अगर पार्टी का विरोध करूं तो मैं नगण्य है ना, बिल्कुल नगण्य मेरा प्रचार होगा। मैं विरोध करूंगा उसको कोई सुनने वाला नहीं। तो इस तरह से जो भी पार्टी कार्यकर्ता पार्टी का विरोध करता है, किसी कैंडिडेट का विरोध करता है, तो निश्चित रूप से उसको दुष्परिणाम उसको भोगना पड़ेगा पार्टी को। पब्लिक तो अपने आप वोट देने के लिए आज की स्थिति में अपने आप एग्रेसिव हो रहा है ना। आपको ताजुब होगा कांग्रेसी लोग भी क्या बोलते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे, इसलिए देंगे कि राष्ट्रवाद की बात, दूसरा भी जो इन्होंने कुछ कानून को रद्द करने की बात कहा है कांग्रेस ने, जैसे देशद्रोह, राजद्रोह को अगर क्या बोलते हैं तो आतंक फैल जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं लोग इस आपके विरुद्ध में, कांग्रेस के विरुद्ध में।